हेलो फ्रेंड्स, बालाजी कुकिंग फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो ठेले वाला लिट्टी चोखा मिलता है वो मैं सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। आज मैं आपको कुकर में लिट्टी बनाना बताऊंगी और चोखा बिना भुने बिना बॉयल किए हुए वो भी बिना प्याज लहसुन का टेस्टी चोखा बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 4 बैंगन मीडियम साइज़ के जो मैंने लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। और फिर हम बैंगन का ऊपरी हिस्सा जो डंठल होता है उसे तोड़ लेंगे और बीच से चाकू से हम बैंगन काट लेंगे। देखिए हमारा बैंगन एकदम फ्रेश है, इसमें कीड़े नहीं हैं। आप इसी तरीके से सारे बैंगन को काट के चेक कर लीजिएगा और टमाटर को हल्का सा ऊपर से चारों साइड से काट लेंगे, जिससे क्या है कि छिलका आसानी से निकल जाता है टमाटर का। अब चलिए हम बैंगन का भरता बनाते हैं। उसके लिए हम पैन गर्म कर लेंगे और 4 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बनता है। और सारे बैंगन को हम तेल में डाल देंगे। एक बार आप मेरे तरीके से बैंगन का भरता ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। बैंगन डालने के बाद दोनों टमाटर को भी मैं डाल दूंगी और साथ में इसे फ्राई करूंगी बिना ढके। 2 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही पकाएंगे। आप सोच रहे होंगे बिना प्याज लहसुन का बैंगन का भरता कैसा लगेगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगता है। अब एक साइड से मेरा बैंगन पक चुका है तो मैं इसे दूसरे साइड से भी पलट के इसे अच्छे से पकाऊंगी। बैंगन और टमाटर पकाने में 10 मिनट लग जाते हैं। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बैंगन हमारे लगभग पक चुके हैं, इसे थोड़ा सा इसे हमें और पकाना है। 2 मिनट इसे और पकाएंगे तो फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब 2 मिनट हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बैंगन और टमाटर का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब टमाटर का जो छिलका है वो भी निकलने लगा है। तो इससे आप समझ लेंगे कि टमाटर और बैंगन पक चुके हैं। तो इसे हम एक बर्तन में सारे बैंगन और टमाटर को निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा बैंगन और टमाटर ठंडा हो जाए उसके बाद हम बैंगन का भरता बनाएंगे। तो मेरा बैंगन और टमाटर ठंडा हो गया है, उसमें हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे जो घिस के रखे थे, और 2 हरी मिर्च जो बारीक कटी हुई थी उसे डाल देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे, जिससे बैंगन के भरते का टेस्ट एकदम अलग चटपटा हो जाता है। और थोड़ा सा हम इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे, इसके बिना तो बैंगन का भरता अधूरा है। अगर आपका बैंगन सॉफ्ट है तो आपको इसका छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा कड़ा बैंगन आपका था तो आप इसका छिलका निकाल सकते हैं। देखिए हमारा बैंगन भरता तैयार हो चुका है, अब इसे हम साइड में रख देंगे और बाटी बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा सत्तू। मैं 2 तरीके का बाटी बनाना बताऊंगी, थोड़ा सा सत्तू और सिंपल बाटी। तो सत्तू में मैं थोड़ा सा कलौंजी डाल दूंगी और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और 1 बारीक हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और थोड़ा सा हम अचार का मसाला मिलाएंगे। आपके पास जो भी अचार हो उसका आप मसाला मिला लीजिए, इससे बहुत चटपटा टेस्ट हो जाता है। और थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेंगे
और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारा सत्तू रेडी हो चुका है। इसे हम साइड में रख लेते हैं और आटा लगा लेते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, इससे बाटी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, इससे बाटी बहुत खस्ता बनता है। और स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा को गूंथेंगे। हम आटा थोड़ा हार्ड ही गूंथेंगे क्योंकि सॉफ्ट होने से बाटी फैलने लगता है। तो चलिए, हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा आटा हाथ में लगा लेंगे जिससे आटा चिपकेगा नहीं, और इसे हम लड्डू के जैसे बना लेंगे। उसके बाद हम इसे अंगूठे के हेल्प से थोड़ा कटोरी जैसा बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें सत्तू का स्टफिंग भरेंगे। 2 चम्मच हम इसमें सत्तू का स्टफिंग भर लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से दबा दबा के चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और इसे हम, अगर एक्स्ट्रा आटा बचता है तो आप उसे निकाल सकते हैं, मैं इसे उसी में मिला दूंगी। और इसे लड्डू के जैसे हम गोल एकदम बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बाटी बना के तैयार कर लेंगे। ये बाटी मैं सिंपल बाटी आपको दिखा रही हूँ, इसे भी हम ऐसे ही होल कर लेंगे बीच से, फिर उसके बाद हम इसको गोल शेप दे देंगे। इससे क्या होता है कि बीच में होल करने से हमारी बाटी अंदर से बहुत अच्छे से सिक जाती है। तो ये सिंपल बाटी हम इसी तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से मैं सारा बाटी बना लूँगी। देखिए, मेरा सारा बाटी बन के रेडी हो चुका है। अब चलिए, हम इसे कुकर में डाल के सेकेंगे। प्रेशर कुकर गैस पे हम रख दिए हैं और गर्म हो चुका है। तो 1 चम्मच हम तेल डाल के इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है हमें, हल्का सा ही बस लगाना है, जिससे क्या है कि बाटी हमारी चिपकेगी नहीं। और एक एक करके सारे बाटी हम कुकर में रख लेंगे और बिना सीटी और बिना रबड़ के हम ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए, एक साइड से हल्का हल्का बाटी सिकने लगा है, आप देख सकते हैं। ऐसे सारे बाटी को हम पलट लेंगे और 2 मिनट के लिए फिर से हम इसे ढककर पकाएंगे। और गैस का फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे और बार बार इसे हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, जिससे क्या है कि आगे पीछे से बाटी हमारी पक जाएगी। इसे ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, हिलाना नहीं है आपको कुकर को, क्योंकि उससे क्या है कि बाटी बीच से टूट जाएगी। इसे हल्के हाथ से ही करना है आपको। फिर से हम इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 2 मिनट हो चुका है, फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी बाटी अच्छे से दोनों साइड से सिकने लगी है। हम आपको दोनों साइड से आपको पलट के दिखाते हैं। अब देखिए, बाटी में हमारे क्रैक्स आने लगे हैं, तो इसे समझ लीजिए कि बाटी एकदम परफेक्ट पक रही है। ऐसे हम चारों तरफ से अच्छे से पकाएंगे। अब 2 मिनट के लिए इसे और हमें पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी बाटी एकदम परफेक्ट पक चुकी है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये कुकर में हमने बनाया है। और देखिए, बाटी एकदम परफेक्ट पकी हुई है। और इसे पकाने में 20 से 25 मिनट लगता है और इसे लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। तो चलिए, हम बाटी सर्व करके आपको दिखाते हैं। हम बैंगन के भरते को पहले प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा सैलेड ले लेते हैं। और देसी घी में हम अच्छे से डिप करके बाटी को
निकाल लेंगे। इससे क्या है कि बाटी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको देसी घी में बाटी अच्छी नहीं लगती तो आप सिंपल भी इसे खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। हम आपको दो सिंपल बाटी भी रख के दिखाते हैं। देखिए एक बाटी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितने इजी तरीके से टूट रहे हैं, अंदर से भी कितने अच्छे से पके हुए हैं। एक बार आप मेरे तरीके से बैंगन का भरता और ये कुकर में बाटी ज़रूर बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है यकीन मानिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।